नमस्कार दोस्तों, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एमटीएस की एक नई वैकेंसी आई है, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2024 और पोस्ट कोड है 812-24। यहाँ पर यदि इसकी ओपनिंग डेट की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसे 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, एमटीएस में यहाँ पर अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आई है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ये डिपार्टमेंट नेम है। यहाँ पर पोस्ट का नेम एमटीएस है। यहाँ पर पे लेवल 1 है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और एसपी के पोस्ट है। यहाँ पर आप अगर डिपार्टमेंट देखोगे तो टोटल कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हो 15 डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी आई है, जिनकी कुल संख्या 567 है। यहाँ पर जनरल की 253 वैकेंसी है, ओबीसी की 183, एससी की 31, एसटी की 40 और ईडब्ल्यूएस की 60। कुल मिला के यहाँ पर 567 वैकेंसी है। आगे हम देखें तो डिपार्टमेंट वाइज कंप्लीट डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक नंबर पे दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर बता रखी है, कितनी पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सभी जगह सेम है। मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास या 10th के इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यदि हम पे स्केल यानी वेतन की बात करें तो इसका वेतन है 18,000 से 56,900 लेवल फर्स्ट में। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट 18 से 27 है और बाकी कैटेगरी वाइज छूट शामिल है, जिसे आप नीचे देख सकते हो। इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट वाइज कंप्लीट डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर, जिसे आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये 10th पास है और यहाँ पर इंडिया से होना आवश्यक है और बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे हम देखते हैं इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, जिस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो 8 मार्च 2024 तक। आगे हम देखते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फीस की, तो इसके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। आगे बात करते हैं हम इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस की, तो इसके लिए एग्जामिनेशन प्रोसेस एक एग्जाम होगा टीयर फर्स्ट, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का यानी 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यदि हम सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबरों के होंगे। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग 0.25 रखी गई है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और इसके बाद में प्रोसेस में डिपार्टमेंट वाइज स्किल टेस्ट शामिल है। दोस्तों, इससे संबंधित और कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए सरकारी रिजल्ट एग्जाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले।